करना, आपको सीधा इस साल का अमाउंट प्रॉफिट में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमने इस साल के प्रॉफिट में से 25,000 रुपए का प्रोविजन बनाया है कि वी विल पे इट, और पिछले साल का 20,000 रुपए हमने एक्चुअली में टैक्स पे किया होगा, तो इसको आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही सबसे नीचे जाकर माइनस में। एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक अकेली ऐसे आइटम है जिसमें आपको डिफरेंस नहीं निकालना, ठीक है। फिर एक इसमें प्रॉब्लम आती है रिफंड ऑफ टैक्स का क्या किया जाए। रिफंड ऑफ टैक्स का भी सेम यही रहेगा कि आपका रिफंड ऑफ टैक्स पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस होगा, और नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो टैक्स पे करने की जो जगह है वहां पर वो ऐड हो, ठीक है। अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में साथ में नीचे टैक्स से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, यानी कि आपको इस तरह से अमाउंट भी गिवन है और साथ में टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो आपको क्या करना है बताओ, क्या करोगे? अकाउंट बनाएंगे। तब क्या करेंगे? अकाउंट बनाएंगे। और एक अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको एक बेसिक टिप दी हुई है। क्या दी हुई है, क्या टिप है अकाउंट बनाने के लिए? क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे अकाउंट बनाते समय बैलेंस बीडी किधर से शुरू करूं उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बताया हुआ है मैंने आपको? एसेट साइड का अगर कोई भी अकाउंट है तो वो डेबिट से शुरू होगा, और लायबिलिटी साइड का या किसी भी प्रोविजन का अकाउंट है वो क्रेडिट से शुरू होगा। तो अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पिछले साल का 2018 का 20,000, 19 का 25,000, और नीचे लिखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर आप क्या करोगे बताओ? अब क्या अबूर जो मैंने बताया उनको ध्यान रखो, जिन्होंने नहीं समझा था पहली बार अब समझ कर बताओ, और आंसर वो बच्चे दे जिन्होंने पहले नहीं समझा था, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को क्या गलत समझ में आया और क्या सही। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि मैं गलत बोल रही हूँ मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रहे होंगे तो मैं करेक्ट कर दूंगी, सही बोल रहे हो तो वेरी गुड। हाँ जी बताओ क्या होगा? मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कैसे, क्या बताओ, कहां से शुरुआत करूंगा इसकी? क्रेडिट। बताओ क्रेडिट से क्या लिखूं? बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखूं यहां पर बताओ, अमाउंट क्या आएगा बैलेंस बीडी में बोलो? पिछले साल जो था, पिछले साल कितना था हमारा, पिछले साल का जो बैलेंस कितना था? 20,000। 20,000 रुपए, ठीक है। और साथ साथ इस साल का बैलेंस सीधी अपोजिट साइड, टू बैलेंस सीधी, इस साल का बैलेंस कितना है? 25,000, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इस टैक्स पेड से क्या पता चल रहा है? कैश गया, ठीक है। कैश गया का क्या मतलब हुआ? कैश क्रेडिट हुआ। कैश गया का मतलब कैश क्रेडिट हुआ। तो अगर कैश क्रेडिट हुआ तो ये अकाउंट क्या हुआ? ये अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। क्या करूंगा बताओ इसमें मैं, इसको बोलो बोलो, जिसको नहीं समझ में आया था वो बच्चे बोलो, जिनको पहले नहीं समझ में आया था या कंफ्यूजन है यहाँ पर वो कंफ्यूजन ही बोलो। टू बैंक, यहाँ पर मैं देखो क्वेश्चन में कई बार टैक्स पेड लिखा होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 18,000, यहाँ क्या लिखूं? टू कैश, समझ गए। अब क्या करूंगी मैं इसको, 43,000, और इधर से 43,000, 23,000, ये क्या हो गया? 23,000, 3,000, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो इसी में से जो बैलेंस तो इधर ट्रांसफर हो गए, अब इन दोनों बैलेंसेस को इग्नोर कर देना। जब अकाउंट बनाया
खत्म। अब इसके अंदर जो नई फिगर आई है वो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी। क्या ये 18,000 और 23,000 बताओ कैसे ऑपरेटिंग, बताओ क्या होगा इसमें ऑपरेटिंग। किसी भी अकाउंट से अगर आप डेबिट साइड से कोई फिगर उठा रहे हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हर जगह कहीं भी जाए थे वो माइनस ही होगा। यहाँ डेबिट से अगर कोई अमाउंट आपने उठाया है, देखो मैं आपको कई रूल्स बता रही हूँ, उन रूल्स को आप रिवाइज करते रहो क्वेश्चन करते समय, कि आप किसी भी अकाउंट में से डेबिट की कोई भी फिगर उठाओगे और आपको उसे कैश फ्लो में डालना है तो वो हमेशा माइनस होकर जाएगी। वैसे लॉजिकली भी देख लो, कैश गया हमने कहा ना कैश गया, लॉजिकली भी कैश माइनस हुआ तो ये कहाँ जाएगा 18,000 बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे नीचे। क्लियर? और ये प्रोविजन ऐड होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में से क्रेडिट साइड से, सॉरी किसी भी अकाउंट में क्रेडिट साइड से अगर आप कोई भी अमाउंट पिकअप कर रहे हो और आप उसको कैश फ्लो में ले जाना चाहते हो वो ऐड ही हो। ये 23,000 रुपीज क्या होगा? क्लियर ये चीज? ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? yes, आई? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको हमें इस इंफॉर्मेशन को इन तीन चार चीजों को याद रखना है। सेम एक हमें प्रॉब्लम कहां आती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसी में अगर मान लो टैक्स पेड की जगह प्रोविजन दिया हो, यहाँ लिखा होता प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या डन कुछ भी लिखा होता रुपीज 18,000, फिर क्या करते हैं, क्या चेंज आता है इस क्वेश्चन में? अब कैश पे कितना किया ये नहीं पता हमें, हमें ये बताया गया है इसमें ये एक्चुअली में ये चीज क्या है, 23,000 क्या था, हमने इस साल के प्रॉफिट में से कितना हिस्सा टैक्स के लिए रखा। अब ये क्या कह रहा है, ये भी यही बात कह रहा है कि हमने इस साल के प्रॉफिट में से टैक्स के लिए 18,000 रुपए रखे, तो इसका मतलब क्या आपको टैक्स कितना पे किया गया ये नहीं पता, नहीं पता ना। अब क्या होगा, 18,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब मुझे बैलेंस ही तब से करनी पड़ेगी 38,000। अब क्या होगा, यहाँ पर भी 38 हो जाएगा, 13,000 क्या है बताओ, क्या नहीं है 13,000 कैश पेड, मैंने टैक्स कितना एक्चुअली में पे किया। रूल वही चलेगा, डेबिट साइड से मैं कोई भी चीज उठा रही हूँ कहाँ जाएगी ऑपरेटिंग में से लेस होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगी। यहाँ पर क्या लिखू, टू कैश, आ गया समझ में ये चीज? हाँ अच्छा, इसी से रिलेट अब एक और जो प्रॉब्लम आती है हमारी वो किस में आती है बताओ आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम आती है आपको, तो चलो हम उसके लिए रूल यही चलेंगे सारे। देखो क्या होता है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे दिया होता है, नोट नोट टू अकाउंट में गिवन होता है, देखो कैसे दिया होता है। अब तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, अननोन क्वेश्चन है नहीं आपके लिए, नोट टू अकाउंट में लिखा होता है यहाँ पर आपका मान लो लिखा है फिक्स एसेट्स, इसका आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क का, या आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको दे रखा है 2018 और 2019, 18 में फिक्स एसेट्स की 2 लाख की और 19 में की 3,20,000। ठीक है, फिर नीचे देखो लिखा है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 और ये 55,000। ठीक है, अब